हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। में अगेन आप लोगों से आज एक और वेस्टर्न ड्रेस ज्वेलरी आइडियाज लेकर के आई हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो जरूर अच्छा लगेगा, और इनफैक्ट लगता भी है मुझे। ये पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ज्वेलरी से रिलेटेड वीडियो जरूर अच्छी लगती होगी। सो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप लोगों से पहले ये बता दूँ कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है मेरा वेस्टर्न ड्रेस पे टाइप सी ज्वेलरी, मतलब वेस्टर्न ड्रेस पे किस टाइप से ज्वेलरी अच्छी लगती है, उसमें मतलब किस टाइप से गले में वेयर करें, किस टाइप से इयरिंग वेयर करें तो अच्छा लगता है। लाइक जीन्स शॉर्ट्स अगर आपने पहने हैं, जीन्स पहना है आपने, जीन्स टॉप पहना है, इस टाइप से अगर ड्रेस पे अगर आप किस टाइप की ज्वेलरी और इयरिंग वेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा, गुड लुकिंग दिखाएगा, गुड लुकिंग देगा आप लोगों को। सो इस टॉपिक से मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से वीडियो शेयर किया जाए। और इयरिंग मैंने कलेक्ट किए हैं ऐसे कि जो जीन्स वगैरह पे पहनने पे या शॉर्ट्स पे या स्कर्ट्स वगैरह पे पहनना अगर आप चाहते हैं तो उस पर मैं टॉपिक लेके आई हूँ। और जो मैं इयरिंग आप लोगों से डिजाइन अभी शेयर कर रही हूँ वो काफ़ी अच्छे लगते हैं वेस्टर्न ड्रेस पे। तो ज़्यादा समय मैं आप लोगों का नहीं लूँगी, मैं अपना वीडियो आप लोगों से स्टार्ट करती हूँ। तो पहले मैं आप लोगों से ये शेयर कर दूँ कि किस टाइप से नेक में हमें पहनना चाहिए वेस्टर्न ड्रेस पे, जीन्स पे, या फिर अगर आप शौकीन है ज्वेलरी की, आप चाहते हैं मैंने वेस्टर्न ड्रेस भी पहन रखा है और कुछ उस टाइप की ज्वेलरी भी होनी चाहिए, तो मैं आपको ये शेयर करती हूँ कि किस टाइप के गले में आप वेयर कर सकते हैं पहनने के लिए। पहले मैं आपको ये दिखाऊं कि इस टाइप की जो नेकलेस होती है ये इस टाइप की नेकलेस जीन्स पे, वेस्टर्न ड्रेस पे काफी अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं इस टाइप के देखने में। आपने टॉप पहन रखा है, आपने शॉर्ट्स पहन रखे हैं, आपने स्कर्ट्स पहने हैं तो भी अच्छा लगता है देखने में। आपने जिस भी टाइप से अगर आप वेस्टर्न ड्रेस आपने वेयर किया है तो इस टाइप की चेन काफी अच्छी लगती है, गुड लुकिंग लगती है देखने में, तो आप इस टाइप का नेकलेस आप वेयर कर सकते हैं। और इस टाइप से आप लॉन्ग चेन भी अगर चाहें तो वेयर कर सकते हैं आप। मैं आपको दिखाती हूँ इस टाइप से लॉन्ग चेन, काफी लंबा है ये, काफी लॉन्ग है, काफी लॉन्ग में आता है और काफी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जीन्स पे, वेस्टर्न ड्रेस पे। इस टाइप की नेक में आप डाल सकते हैं, ये काफी अच्छा लगता है देखने में, बाल लेयर टाइप से है, ये भी बहुत अच्छा लगता है, ये किसी भी वेस्टर्न ड्रेस पे इजीली बहुत चल जाता है, अच्छा भी लगता है। अगर आपने जीन्स वेयर किया है या फिर स्कर्ट, शॉर्ट स्कर्ट, मिनी स्कर्ट भी आपने वेयर किया है तो इस टाइप की भी इयरिंग काफी अच्छी लगती है, ये वालियाँ काफी अच्छी लगती है, मुझे बहुत पसंद है ये। इसका जो ये मतलब ये जो डिजाइन किया हुआ है ना, ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है। वेस्टर्न ड्रेस पे, शॉर्ट्स पे, टॉप वगैरह पे ये भी अच्छे लगते हैं, सूट पे भी अच्छे लग जाते हैं, इस टाइप इयरिंग अच्छे लगते हैं, इस टाइप की भी इयरिंग अच्छी लगती है। ये अगेन मैं आप लोगों से नेकलेस शेयर कर रही हूँ, ये शॉर्ट्स वगैरह पे बहुत अच्छे लगते हैं, इस टाइप की ज्वेलरी मुझे बहुत पसंद आती है, इस टाइप की बहुत डिफरेंट दिखती है, डिफरेंट लुक आता है इसका, बहुत मतलब कूल टाइप से आप समझ सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, मुझे तो इस टाइप की ज्वेलरी बहुत पसंद आती है। अगर आप शॉर्ट्स पहनते हैं ना, जीन्स पहनते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा गुड लुकिंग देता है इसका। पेंडेंट देखिए आप, इतना प्यारा लगता है, इतना ऑसम है। मैं जूम करके आप लोग को कोशिश कर रही हूँ कि आप फोकस हो सके, इसका डिज़ाइन क्लियर हो सके आप लोगों से। इस टाइप के इयरिंग टॉप वगैरह से मैच करके पहनने में बहुत अच्छे लगते हैं, इसको सूट पे भी डाल सकते हैं, और आपने अगर जींस पहना है, जींस टॉप डाल रखा है तो भी डाल सकते हैं, इस टाइप के इयरिंग काफी अच्छे लगते हैं। इस टाइप की भी इयरिंग मुझे बहुत पसंद है, इस टाइप के भी अच्छे लगते हैं काफी, और ये भी अच्छे लगते हैं इस टाइप से भी। टाइम कुछ दिन पहले काफी ट्रेंड में था इस टाइप के इयरिंग, उसी टाइम मैंने भी इयरिंग ले लिया था, काफी ट्रेंडी था उस टाइम। और इस टाइप की भी इयरिंग काफी अच्छी लगती है, ये अगर आपने टॉप पहन रखा है, वेस्टर्न ड्रेस पहन रखा है तो काफी गुड लुकिंग और सिंपल सा और बहुत अच्छा लुक देता है ये। और फिर उलझ गई, ये बालियाँ भी अच्छी लगती हैं, इसमें सिल्वर कलर से यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है, आई होप जूम हो पा रहा होगा, ये अच्छा लगता है, ये गोल्डन कलर की ऐसे प्लेन ले लो, किसी भी कलर के टॉप पे जींस पे अच्छा लगता है इस टाइप से इयरिंग। और
ये प्लेन प्लेन एकदम प्लेन मेटल वाली, ब्लैक मेटल सिल्वर मेटल कह सकते हैं इसको, वाली वाली है ये। और इस वाली वाली में कुछ सिल्वर वर्क किया हुआ है, यहाँ पे सिल्वर वर्क किया हुआ है। ये वाली प्लेन वाली है। तो इस टाइप से बालियाँ होनी चाहिए जो जीन्स वगैरह पे, अगर आपने टॉप पहन रखा है जीन्स पहन रखा है, काफ़ी अच्छा लगता है, फुल फुल लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, अमेजिंग लगता है बिल्कुल। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में ईयर रिंग कलेक्शन लेके अगेन, क्योंकि मैंने अभी और ईयर रिंग कलेक्शन अपने बना रखे हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं कुछ वीडियोस के बाद उस वीडियो को अगेन मैं आप लोगों से ईयर रिंग कलेक्शन वीडियो शेयर करूंगी, जिसमें मैं आप लोगों को ऑक्सीडाइज ईयर रिंग के कुछ डिटेल्स दूंगी कि किस टाइप से ईयर रिंग इस टाइम ट्रेंडिंग है ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज में। तो मिलती हूँ मैं इस उम्मीद के साथ कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, मेरी वीडियो को आपने लाइक जरूर किया होगा। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।